आज हम बनाएंगे उत्तपम। उत्तपम बनाने के लिए हमें राइस और उड़द का जो क्वांटिटी लेना है वो मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर इस बाउल चावल डाला है और ये कुछ है 3/4 के हिसाब से है। तो इतने में मैंने 3/4 उड़द लिया है। इन दोनों को मैं 5 से 6 घंटा के लिए भिगा दूंगी और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स उनके लिए ज़रूरत पड़ेगा वो हम देखते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, ऐसे गाजर मैंने ग्रेट कर लिया है, बारीक कटा प्याज, मैंने बारीक कटा हुआ कैबेज भी ले लिया है, पत्ता गोभी। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो मत लीजिए, क्योंकि मुझे मैं डालती हूँ और ये ऑप्शनल है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ कैबेज वगैरह डालकर। धनिया पत्ता मैंने बारीक काट लिया है, हरी मिर्च मैंने ये 3 से 4 हरी मिर्च कट लिया है ऐसे छोटे छोटे। अगर आपको और तीखा पसंद है डालना है तो डाल सकते हैं, मैं इतना ही डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। आप चाहे तो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी कैप्सिकम नहीं है। तो मैंने बैटर रेडी कर लिया था। 5 से 6 घंटा मैंने इसे चावल और दाल को भिगोने के बाद मैंने पेस्ट बनाया है और इसे 6 से 7 घंटे तक मैंने फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया था। तो देखते हैं कैसे फर्मेंट हुआ है। बहुत अच्छा सा हुआ है, देखिए। अब इसमें आपको ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा और ना यूनो डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है, अच्छे से फर्मेंटेशन हो गया। अब मुझे जितना बनाना है एक बाउल में मैं सेट कर दी। समय और क्वांटिटी बराबर रहे तो फर्मेंटेशन अच्छे से होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। बस मैं इतना ही लूंगी। इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस थोड़ा सा ऑयल चाहिए, हम तवा में ग्रीस करेंगे। अब हम नारियल चटनी बनाएंगे इसके साथ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स ये है। चलिए हम चटनी पहले रेडी करते हैं। उत्तपम के लिए नारियल चटनी बना एक बाउल में ले रही हूँ। और नारियल में अच्छा बाइंडिंग आने के लिए मैं थोड़े से भुना हुआ आधा कटोरे हिस्से मूंगफली ले रही हूँ, इससे अच्छा बाइंडिंग आता है। अदरवाइज हम नारियल का सिर्फ अगर चटनी बनाए तो वो थोड़ा पानी पानी सा लगता है। लहसुन छिला हुआ 4 से 5 दाना, ग्रीन चिल्ली, करी पत्ता लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, नमक कम ही डालिए, बनने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं ग्राइंड कर देती हूँ।
मैंने नारियल का चटनी बना लिया है, मैंने इतना थिक रखा है। आपको चाहे तो आप पतला कर सकते हैं और पानी डालकर। तो मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट करती हूँ और उसके तड़का दे देती हूँ। ये मैंने एक बाउल में चटनी को ट्रांसफ़र कर लिया है, मैंने इतना थिक रखा है। और चलिए चटनी में तड़का डालते हैं। अब मैंने तड़का के लिए तेल गरम कर लिया है, इसमें हम छोटा स्पून से सरसों डाल रहे हैं चौकर में, लाल मिर्च, जब छौंका डालते हैं तो लाल मिर्च जब हम तेल में डालते हैं तो थोड़ा से मिर्च को जलने देने से जब हम चटनी में छौंका डालते हैं तो उसमें बहुत अच्छा खुशबू आता है चटनी का और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो आप जब भी छौंका डालें थोड़ा रेड चिल्ली को जला लें, उसमें मतलब ब्लैक कलर का टर्न हो जाए तब तक आप उसे पकने दें। देखिए रेड चिल्ली अच्छा से जला है, कलर इसका चेंज हो गया है, ब्लैक दिख रहा है। अब हम गैस को बंद करते हैं और करी पत्ता डालते हैं। अब इसे चटनी में छौंका डाल देते हैं। हमारा नारियल का चटनी रेडी है। चलिए उत्तपम बनाते हैं। चलिए देखते हैं, 30 सेकंड मैंने ढककर पकाया इसे, अब इसे हम पलट देते हैं। चलिए इसे शिफ्ट करते हैं। चलिए ऐसे ही बाकी के उत्तपम बना लेते हैं। बस 30 सेकंड के लिए फिर से ढक देते हैं। चलिए देखते हैं, पलटने से पहले हम थोड़ा तेल डालेंगे। चलिए देखते हैं, उत्तपम रेडी है। नारियल का चटनी मैंने पहले ही बना लिया था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा इंग्रेडिएंट्स जो रहता है सब मैं देती हूँ, आप वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तपम कैसा बना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।